नमस्कार के द्वारा एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूसरे राउंड का। ये मैच इस समय पावठड़ी और बाबा मदननाथ के बीच शुरू होता हुआ। क्या यहाँ पे पॉइंट मिलेगा? पहला पॉइंट इस समय मेजबान को पहला पॉइंट मिलता हुआ। खाता खोलने में कामयाब टीम के कप्तान साहिल मलिक, जबकि पावठड़ी के कप्तान शुभम शेखावत यहाँ पे पॉइंट जाता हुआ। बहुत ही शानदार रेड यहाँ पे तीन पॉइंट अर्जित किए। और देखिए पावठड़ी ने अपना खाता सुपर रेड से खोला है, उत्तराखंड से 3-1 से आगे इसमें पावठड़ी। पावठड़ी और बाबा मदननाथ के बीच कड़ी टक्कर, बोनस के साथ स्कोर इस समय बढ़ता हुआ। मेजबान बाबा मदननाथ का 2 जबकि पावठड़ी 3, 1 अंक की बढ़त है शुरुआती क्षण खेल के। खेल का नजारा रुड़की के खिलाड़ी, और फिर से देखिए जो कि रुड़की से बिलोंग करते हैं बाबा मदननाथ कलम में खेलते हुए पॉइंट अर्जित किया है। और पिछली बार देखिए अकेला खिलाड़ी जी सुपर रेड के साथ खाता खोला था टीम का। 3-3 से बराबरी पे दोनों ही टीमें। तीसरा दिन टूर्नामेंट का पहला मैच आज का समापन होगा आज यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम। ट्राई की दूसरी चैन पे और यहाँ पे ब्लॉक बहुत ही खूबसूरती से किया, ज्यादा आगे चले गए थे कोर्ट में रेड पर। तो एक अंक की बढ़त इसमें मेजबान बाबा मदननाथ कलम के पास है। और यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश लेकिन पहुंच गए, शायद एक पॉइंट मिल जाएगा। शानदार प्रदर्शन कबड्डी खेल का, फुल हाउस 2 पॉइंट की बढ़त बनाता हुआ इस समय मेजबान बाबा मदननाथ है। आज के डिफेंस में खिलाड़ी ट्राई कर रहे हैं पावठड़ी के सामने। पावठड़ी के कप्तान शुभम शेखावत है। और यहां पे लीजिए कैच करने की कोशिश लेकिन पहुंच गए लंबी छलांग, हाइट का फायदा। रेडर को 2 पॉइंट अर्जित किए, बढ़त बढ़ती जा रही है इस समय बाबा मदननाथ क्लब की। और ये देखे कच कर लिए गए, बहुत ही खूबसूरती से ब्लॉक किया पुश करते बाहर धकेला। अब अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट का खतरा और आसान मौका इस समय देखिए टच किया और सीधे 3 पॉइंट बटोरता हुआ इस समय मेजबान बाबा मदननाथ। इसी के साथ टेक्निकल पॉइंट दिया गया है नौका खिलाड़ी बाबा मदननाथ क्लब को, क्योंकि रेड लेके आगे नहीं बढ़े पावठड़ी के खिलाड़ी। अनुभव की कमी और एक और पॉइंट फिर से कप्तान अर्जित करते हुए इस समय 13-3 इस समय मेजबान जबकि पावठड़ी 3, 10 अंकों की बड़ी बढ़त है 3 मिनट के खेल में। बहुत ही शानदार प्रदर्शन मेजबान का, दबाव बनाने में कामयाब रुड़की। और यहां से तो जिस प्रकार से बढ़त बनाई है बोनस जाता हुआ इसी के साथ है। तो जिस प्रकार से लीड बनाई है दबाव बहुत ज्यादा होगा आगे के खेल में पावठड़ी के ऊपर। वापसी के लिए बेहतर खेल दिखाने की आवश्यकता पावठड़ी टीम का जहां तक सवाल है। शुभम शेखावत टीम के कप्तान, उनके नेतृत्व में पावठड़ी यहां पे आज उतरा है। नंबर 2 का खिलाड़ी मेजबान टीम का सामना करता हुआ 2 नंबर की जर्सी में फिर से पॉइंट की तलाश। और यहाँ पे देखिए धक्का देकर बाहर धकेलने की कोशिश की, पॉइंट बटोर लिया सुपर रेड, 3 अंक बटोर लिए शानदार। और अब लीजिए डोर डाई रेड, यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा एक। स्कोर काफी देर के बाद तब्दील हुआ पावठड़ी का, 3 के बाद अब 4 जबकि बाबा मदननाथ है 17 यानी 13 अंकों की बड़ी बढ़त है। और पॉइंट यहाँ भी मिल गया है एक। तो मेजबान इसमें जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले आपका खेल क्या वापसी कर पाएगा पावठड़ी, मुश्किल क्योंकि बढ़त अच्छी खासी और आसान नहीं वापसी करना। एक पॉइंट जरूर मिला है 4 डिफेंडर इस समय जो कि 13 पॉइंट की लीड है। सबसे मुश्किल होता है 4 डिफेंडर का सामना करना रेडर के लिए। और मौका बनाने की कोशिश, ब्लॉक करने की असफल प्रयास और एक पॉइंट। निराश होता हुआ इस समय पावठड़ी। पड़ोसी गांव और इस समय बाबा मदननाथ है टीम का सामना करता हुआ। बढ़त बढ़ती जा रही है इसलिए राहें
मुश्किल। अगर और आप देखिए सुपर टैकल ऑन तो दो पॉइंट मिलेंगे, तीन डिफेंडर सुपर टैकल ऑन चांस है, लेना चाहना चाहिए यहाँ पे मदननाथ मौका हाथ से पॉइंट अर्जित करने का। और टीम की हालत नाजुक है इस समय बावदड़ी का जहाँ तक जिक्र है। शेफी ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया और बावथड़ी की टीम देखिए मंत्रणा करती हुई कि कैसे वापसी की जा सकती है। गाइडेंस जरूरी कप्तान का नेतृत्व। टाइम आउट के बाद फिर से खेल शुरू हो चुका है। भारत इस समय 14 अंकों की मेजबान बाबा मदननाथ के पास, कुलोठ मुकाबले में पिछड़ा हुआ। दबाव इस समय पहले आपका खेल, टीम के कप्तान साहिल मलिक आए हैं इस समय, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं और बाबा मदननाथ कलम में खेलते हुए। और यहां पे कैच कर लिए गए, छोड़ने वाले नहीं, पॉइंट जाएगा बावधड़ी की झोली में। सुपर टैकल, इसलिए दो पॉइंट बटोर लिए बावधड़ी ने। ऐसा खेल दिखाने की जरूरत है जैसा सुपर टैकल में कैच किया था, कमाल का एफर्ट। और अब फिर से पॉइंट की तलाश, बावथड़ी को आस है कि कैसे वापसी की जाए सेफी वापस। पहले आपका खेल पूरा, दो चार नाम ने था, दूसरे हाफ का खेल शुरू इस समय। खेले भी धूप, आसमान में छुटपुट बादल जरूर हैं, देखते हैं ये बादल है बावथड़ी के खतरे के हैं या फिर मदननाथ क्लब के जीत के। यहाँ पे एक आज कर दिया गया, बहुत ही खूबसूरत ब्लॉक किया है, ऐसा खेल दिखाने की आवश्यकता है। और जैसे ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया था तब शुभम शेखावत की जो मंत्रणा थी बावथड़ी टीम के साथ, वहां से तो कुछ से ड्राइवर है बाबा जी की वापसी करता दिखाई दे रहा है बावथड़ी। रमेश की जो तालमेल बहुत ही अच्छा देखने को मिला, पिछले लगभग एक से डेढ़ मिनट का खेल हुआ उसमें, हल्की सी वापसी की शुरुआत की है लेकिन बाबा मदननाथ है खिलाड़ी फिर से आगे बढ़ता हुआ अंतिम दिन खेल का। और यहाँ पे देखिए अच्छा लांग लगाई, चकमा दिया और बटोर दिया एक पॉइंट आसान एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन है कुल मिलाकर अभी तक बावथड़ी की ओर से। लेकिन खिलाड़ी बोनस देंगे नहीं, होनहार खिलाड़ी ने किया है डिफेंस वापसी के लिए संघर्ष करता हुआ। और यहाँ पे ब्लॉक कर लिए गए खूबसूरती से टीम के कप्तान मलिक, बढ़त बनाता हुआ लगातार मेजबान और सुपर टेकल। अब तीन डिफेंडर, आसान मौका फिर से, क्या यहाँ पे कैच कर पाएंगे सेफ ही वापिस। और मिल गया पॉइंट एक यहाँ पे। और अब फिर से खिलाड़ी बावथड़ी के लिए। और ये देखे खूबसूरती से ब्लॉक किया, कमाल का तालमेल। अब अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट का खतरा, और ये लीजिए इसी के साथ एक बार फिर से बावथड़ी ऑल आउट। यहाँ पे तीन पॉइंट जाते हुए बावथड़ी ने एक खिलाड़ी रिप्लेस किया है बावथड़ी का रेडर दोबारा। तो देखते हैं परिवर्तन का कितना लाभ मिलता है। डिफेंस मदननाथ का कवर के ऊपर टोटस की ट्राई की, बावथड़ी आगे बढ़ता हुआ पॉइंट की तलाश, लेकिन बढ़त अच्छी खासी समय मेजबान के पास। शेफी वापिस, दो का खिलाड़ी रेड पर। बावथड़ी का स्कोर इस समय मात्र 8 है, यानी कि अच्छी खासी लीड। और इस बढ़त को काटना बेहद कठिन, दूसरे आपका खेल चलता हुआ। और यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश, चकमा दिया, दो पॉइंट होने चाहिए फिर एक पॉइंट बोनस के साथ, एक पॉइंट धीरे धीरे लीड को 28 स्कोर जा पहुंचा इस समय बाबा मदननाथ क्लब का, जबकि बावथड़ी का 8 है, यानी कि 20 अंकों की है बढ़त इस समय मेजबान की पॉकेट पे। ये तो बाउंड्री हमने निर्धारित की है बांस लगाकर। बाबा मदननाथ का आगे बढ़ता हुआ और कैच करने का सफल प्रयास, लंबी छलांग, ताकत का भरपूर इस्तेमाल, एक पॉइंट खूबसूरती के साथ अर्जित किया। अनुरोध है कि बांस के ऊपर जोर न डाले, बावथड़ी समय संकट में, हालत नाजुक, थोड़ा बाबा मदननाथ का लब और धक्का देकर बाहर निकलने की कोशिश की। दो पॉइंट मिल जाएंगे बावथड़ी को, अच्छा निर्णय, दो पॉइंट जरूर अर्जित किए थे रेडर ने बावथड़ी के शुभम शेखावत के नेतृत्व में। और यहाँ पे देखे फिर से पॉइंट अर्जित करते हुए लगातार बेहतरीन रेड, 29 और 10 ये देखे ब्लॉक कर लिए गए अब की बार, एक पॉइंट फिर से मेजबान की झोली में। मेजबान बाबा मदननाथ क्लब का स्कोर 21 जबकि बावथड़ी 10, यानी 21 अंकों की बड़ी बढ़त। और अभी तक का जो खेल हुआ उसमें 21 ही नजर आया है बाबा मदननाथ बावथड़ी के सामने।
और अंतिम चार मिनट का समय बाकी। पावडी को जल्दी वापसी करनी होगी, वापसी बहुत कठिन और है। मेजबान की चुनौती आसान नहीं हो, और छलांग लगाए थे लेकिन पिछड़ गए। लगातार स्कोर में वृद्धि, मेजबान के कैच करने का प्रयास, अब की बार छोड़ेंगे नहीं, ये ताकत दिखानी होगी बावदड़ी को। इससे काफी अपेक्षाएं हैं, सुपर रेड से खाता खोला था टीम का, बेहतरीन रेड है बावदड़ी के लिए। क्या यहाँ पे कोई पॉइंट अर्जित कर पाएंगे? स्कोर इस समय 11 जा पहुंचा है बावदड़ी का, जबकि मेजबान का स्कोर देखे 32 और ये लीजिए 33 अंक जोड़ दीजिए भैया। और अब दोनों चार डिफेंडर ग्राउंड में आ जाए, आखिरी 4 मिनट बावदड़ी के लिए मैच बता हुआ है। फिर से रेड देखे लगातार दोनों की दर्शी में कैच करने का प्रयास और पहुंच गए। यहां से 2-3 पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट जीत के। और यहां पे बलों की आसानी के साथ है नजर हटी तो घटना घटी, और ऑल आउट यहां पे इसी बीच तो 3 पॉइंट और गवाता हुआ बावदड़ी। जीत यहां पे सुनिश्चित है अब मेजबान बाबा मदननाथ की, मुश्किल है क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं और बढ़त बहुत बड़ी है मेजबान के पास। 2 मिनट का समय और यहां पे कैच करने का प्रयास, मगर चकमा दिया और पहुंच गए। और लीजिए इसी के साथ समय समाप्त, और ये मैच बाबा मदननाथ क्लब कुलोट खुर्द ने जीत लिया। बहुत ही शानदार जीत कप्तान साहिल मलिक के नेतृत्व में।